प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसे कि मैंने बताया, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट का सेवानिवृत्त प्रोफेसर है। मैंने वर्तमान में अमेरिका आया हुआ हूँ और मैंने ये मेरी पांडुलिपि है। पांडुलिपि का मैंने शीर्षक दिया है संसार में भारत के अतीत की एक खोज, और उसी का मैं आपके सामने कविता नंबर पढ़ रहा हूँ 11वीं, और उसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। दो पद मैंने दो एपिसोड कर दिए हैं। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय का तीसरा एपिसोड शुरू करने की मेरे को आज्ञा दीजिए, और ये पद जो मैं पढ़ना शुरू करूँगा वो 21वां। कहते हैं यूनान से आए आक्रमणकारियों ने, तक्षशिला यानी सिरकापुर को वक्त 119 BC से 90 BC दौरान चेस बोर्ड खेल की शक्ल में बसाया था। 22वां, तक्षशिला सिरकापुर के ठीक दक्षिण में था। इस विश्वविद्यालय का बड़ा जमावड़ा था। धर्मराज का सर्वोत्तम पुरातन स्तूप यहीं पर स्थित है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। और कहते हैं भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर के कुछ अवशेष यहीं पर गड़े हुए हैं। 23वां, आज हम याद करते हैं मान पुरातत्व शास्त्री व अंग्रेज अफसर। सर जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार, भारत की पुरातन बुद्ध संस्कृति सनातन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट भारत सरकार, जिन्होंने सन 1913 से 1940 के समय बीच लगातार प्रयत्न व प्रयासों से भारत की पुरातन बुद्ध संस्कृति सनातन शिक्षा पद्धति के श्रोमणि धाम सिरकापुर, धर्म राज्य का स्तूप व तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर को धूल गर्द से हटाकर अतीत के गर्भ से फिर सजीव कर दिया था। 24वां पद, तत्कालीन हजारों प्रेमी जोड़े इस पुरातन मानव व्यवहार सदाचार सभ्यता दौरान स्त्री पुरुष से जुड़े किस्से हजारों हैं। आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं, स्पष्ट चलती फिरती नजर आती हैं, आज तक अपनी तकदीर पर रोती हैं, बहुत नाशाद नजर आती हैं। 25वां, तक्षशिला क्षेत्र की खुशहाली के चर्चे। 25वां पद, तक्षशिला क्षेत्र की खुशहाली के चर्चे सेंट्रल एशिया तक आम जनों की जुबान पर उन दिनों में रहते थे। वहीं से 460 ईस्वी पूर्व से खूंखार अब्दाली आक्रमणकारी भारत आया था। तक्षशिला शहर को उसने ऐसा उजाड़ा, यह कभी फिर उभर नहीं पाया था। तो जो आया खूंखार अब्दाली आक्रमणकारी, जिसका नाम था अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, वो सेंट्रल एशिया से आया और उसी ने इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को तहश नहश कर दिया। 26वां, एक अनुमान अनुसार खुदाई के दौरान अब्दाली द्वारा किए गए व्यापक आगजनी, विस्तृत हृदय विदारक तोड़फोड़ व मानव संघार व भारी रक्तपात के प्रमाण मिलते हैं। 27वां, धन्य धन्य सर जॉन मार्शल व धन्य धन्य तत्कालीन ब्रिटिश भारत की सरकार। सन 1800 ईस्वी में बना शहादरी रेलवे स्टेशन समीप तक्षशिला परिसर बदलकर तक्षशिला की गरमामयी अस्तित्व अनुसार यह शहादरी तक्षशिला रेलवे स्टेशन नाम से वर्तमान में अब जाना जाता है। जो शहादरी रेलवे स्टेशन जो बनाया 1880 में, उसको अब उस समय तो पता नहीं था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अब शहादरी रेलवे स्टेशन जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के पास है, पाकिस्तान सरकार ने उसका नाम तक्षशिला रेलवे स्टेशन रख रखा है। 28वां, जब जब तक्षशिला विश्वविद्यालय बस्ती पर आतताई आक्रमण करते थे, सनातनी वैदिक परंपरा में पले बड़े बौद्ध भिक्षु आचार्य समीप की पहाड़ियों में जाकर छिप जाते थे, पर अब्दाली के 460 ईस्वी पूर्व के जनसंहार व आगजनी से इस विश्व के तत्कालीन श्रेष्ठतम शिक्षा के केंद्र को अत्याचार की कृपाण से
हमेशा के लिए बीते वक्त की कब्र में दबा दिया गया था। अहमद शाह अब्दाली के हाथों तक्षशिला विश्वविद्यालय मिट्टी में मिला दिया गया। अब 29वां पद। पाकिस्तान के ही पुरातत्व विभाग के माहिरों अनुसार दुखमयी कथा है कि पाकिस्तान के ही पुरातत्व विभाग के माहिरों अनुसार वर्तमान में तक्षशिला पुरातन खंडरों की गोद में बिखरे कीमती यादगारी पत्थर तोड़ने की मशीनों में महीन पीसे जा रहे हैं। तोबा, यह विध्वंसकारी घृणित कार्य सरकारी फरमान पर भी अमल में लाई जा रहे हैं। ये कह रहा है कवि कहता तक्षशिला के आसपास जो पुरातत्व विभाग ने उन दोनों के जो पत्थर हैं जो अहमद शाह अब्दाली ने जो इमारतें नीचे गिरा दी थी वो पत्थर वहाँ अभी भी हैं और उन पत्थरों को लोग मशीनों में महीन महीन पीस रहे हैं और पाकिस्तान सरकार की सलाह से पीस रहे हैं, जो एक अत्याचार है और जो एक यूनेस्को के रूल्स के अनुसार यूनाइटेड नेशंस के हेरिटेज डिपार्टमेंट के अनुसार एक बहुत बड़ा विध्वंस है। 30वां और अंतिम पद तीसरे एपिसोड का तक्षशिला विश्वविद्यालय नामक काव्य का। पुरातन तक्षशिला विश्वविद्यालय जब विश्व में पुरातन मानवीय मूल्यों की वर्तमान में सांस ले रही धरोहर है। देखिए क्या कहता है कवि, पुरातन तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडर जब विश्व में आज पुरातन मानवीय मूल्यों की वर्तमान में सांसें ले रही वैश्विक धरोहर है तो यूनेस्को को पाकिस्तान सरकार व पाकिस्तानी पश्चिमी पंजाब होदेदारों अफसरों को से बात करनी चाहिए और शीघ्र तक्षशिला के यादगारी खंडरों के निशान और नहीं मशीन में पीसने चाहिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीसरे एपिसोड का मैं यहाँ समापन करता हूँ। धन्यवाद।